आज हम आपको 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये काफ्तान ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने ये कॉटन का बटरफ्लाई प्रिंट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से ये 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। तो इस तरफ से ये हमारी ओपन साइड है और इस तरफ से हमारी ये फोल्डेड साइड है। इस टॉप की लेंथ हम ले रहे हैं 20 इंच। जितनी आप चाहें उतनी लंबाई आप ले सकते हैं। हम 20 इंच लेंथ ले रहे हैं और इस साइड से इसकी चौड़ाई है 12 इंच। तो ये हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है तो इसकी 12 इंच चौड़ाई हो गई है। तो यहाँ से हम नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। नेक हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हमने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा दिया है। फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 4 इंच। तो इस निशान से हम इस तरह से तिरछा मेजर करेंगे तो 4 इंच पे हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से हमने जो निशान लगाया है उस निशान से हम स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो हम इस लाइन को डार्क कर देते हैं जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे इस तरह से। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने फ्रंट नेक बना लिया है। अब हम बैक नेक फ्रंट नेक से थोड़ा कम रखेंगे तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए बैक नेक ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट साइड में हम 2 इंच की एक स्लिट बनाएंगे तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पर इस तरह से हम एक स्लिट बनाएंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हमें इतना ही मार्किंग करनी है। तो पहले हम इसे बैक नेक से कट कर लेते हैं। तो पहले हम बैक नेक कट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ये हमने बैक नेक कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल देते हैं तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसे फिर से इस तरह से रखेंगे और अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम फ्रंट नेक कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने मार्किंग की थी वहीं से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो स्लिट के लिए निशान लगाया था इसे भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों पार्ट के फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो ये दोनों के फ्रंट पार्ट एक दूसरे की तरफ हमने रख दिए हैं और इस तरह से हम इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और अब हम इसे शोल्डर से इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड शोल्डर पे स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को जॉइंट कर देते हैं। ये हमने शोल्डर से इसे जॉइंट कर दिया है और अब यहाँ पर हमने फ्रंट साइड में जो स्लिट बनाई थी इस पर हम इस तरह से वी शेप में छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। और ये हमने कपड़े का एक टुकड़ा लिया है इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरह से कट करके अलग कर देते हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस कपड़े की पट्टी को
और एक बार और हम इसे इस तरह से बैक साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच लगा के फ्रंट साइड की स्लिट तैयार कर ली है। अब हमने ये एक बायस पट्टी बनाई है और ये हमने 1.5 इंच चौड़ी बायस पट्टी बनाई है। तो इससे अब हम नेक लाइन फिनिश करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इस पर नेक पर हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे इस तरह से दोनों साइड, और इस पर हम स्टिच लगाकर इसे नेक पर अटैच कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से ये हमने बायस पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इस पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। इस तरह से कट लगाते वक्त ध्यान रखिए आपको सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो इसी तरह से हम नेक पर कट लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरे नेक पर कट लगा लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ से ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और एक बार और हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम स्टिच लगा लेते हैं। इस साइड भी हमने एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी, तो इसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमने नेक फिनिश कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे चारों तरफ से फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से स्टिच लगाकर इसे चारों तरफ से फिनिश कर लिया है। अब हम इस पर ये ब्लैक कलर की हमने एक पोमपोम लेस ली है, तो इसे हम इस तरह से इस पर स्टिच लगाकर अटैच करेंगे। तो इसे हम बैक साइड में इस तरह से रखेंगे और इस पर हम स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। ये लेस अटैच करने के लिए हमने इस तरह से जिपर फुट लगाया है। तो इस तरह से जिपर फुट से इसे लगाने में आसानी होती है, लेकिन आप चाहें तो इसे सिंपल फुट से भी लगा सकते हैं। ये हमने चारों तरफ पोमपोम लेस लगाकर इसे रेडी कर लिया है इस तरह से।
हम इसे फिर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे फोर लेयर में। तो ये देखिए, ये हमने इसे फोर लेयर में फोल्ड करके रखा है इस तरह से। इसे आप राइट साइड में ही फोल्ड करके रखें इस तरह से। अब हम इस पर ऊपर की तरफ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 7 या 8 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं अगर आप ज्यादा लूज चाहिए आपको ऊपर की तरफ से, लेकिन हम इस पे 6 इंच पे ही निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। हमने निशान लगा लिया है। चेस्ट हमारा है 24 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट हो गया 6 इंच प्लस 1 इंच हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं, तो 7 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको ज्यादा लूज चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम 7 इंच पे ही निशान लगा रहे हैं बराबर से इस तरह से। नीचे की तरफ से हम इसे ओपन रखेंगे, हमें स्टिच नीचे तक नहीं लगानी है। तो नीचे की तरफ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप ज्यादा ओपन रखना चाहते हैं तो ज्यादा रखें यहाँ से, लेकिन हम 4 इंच ही ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। अब इस साइड से पकड़ के हम इसे इस तरह से मार्किंग के ऊपर बराबर से पकड़ के इसे इस तरह से रखेंगे और मार्किंग के ऊपर हम इसे हल्का सा इस तरह से तपतपा देंगे, जिससे कि हमने जो मार्किंग की है वो दूसरे साइड भी इस तरह से आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हल्की हल्की मार्किंग आ गई है। तो इसे हम इस तरह से डार्क कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर से मार्किंग हो जाती है। इस तरह से हमने दोनों साइड फिटिंग के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान के ऊपर इस तरह से दोनों साइड स्टिच लगा लेते हैं। ध्यान रखें, आपको ये स्टिच राइट साइड में ही लगानी है। तो यहीं पर हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए कि हमने फिटिंग की स्टिच लगा ली है दोनों साइड इस तरह से। फ्रंट साइड में जो हमने स्लिट बनाई थी उसके ऊपर हमने इस तरह से डोरी अटैच कर दी है और इसके नीचे हमने पॉम्पॉम लगाए हैं जो हमने लेस से कट करके ही लगाए हैं। तो इसे हम इस तरह से बांध देंगे, जिससे कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा हमारा टॉप। इस तरह से ये हमारा 5 to 6 ईयर बेबी के लिए काफ्तान टॉप बनकर तैयार हो गया है।